जब से पठान का ट्रेलर आया है ये एक हॉट टॉपिक बन चुका है सभी के डिस्कशन का। फ्रॉम एसआरके फैंस टू पीपल हु डोंट लाइक एसआरके टू न्यूट्रल ऑडियंसेस एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट द पठान ट्रेलर। और होगा भी क्यों नहीं, सच इज द ऑरा ऑफ शाहरुख खान। एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ एसआरके'स ग्लोरी टू गेन ग्लोरी अंडर हिज शैडो। हेलो गाइज एंड वेलकम टू द सिनेमेटिक आर प्रोडक्शंस। सबके अपने अपने परस्पेक्टिव है इस ट्रेलर को लेकर एंड आई रिस्पेक्ट एवरीवन्स पॉइंट ऑफ व्यू, पर एक मूवी को क्रिटिसाइज करना उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को लेकर या एंटरटेनमेंट वैल्यू को लेकर सही होता है। एंड एज आई ऑलवेज से, नफरत के लिए तो ये दुनिया बहुत छोटी है। मूविंग ऑन, कुछ लोग इस मूवी को बॉयकॉट करना चाहते हैं और ट्रेलर में भी बहुत कोशिश करी उन्होंने ढूंढने के लिए, लेकिन अफसोस ट्रेलर में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी भी तरह से किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर सके। इनफैक्ट मूवी में देशभक्ति का एंगल ही है लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा ये बोलकर कि ये सब तो नौटंकी है। और जब कुछ नहीं मिला ट्रेलर में तो कुछ लोगों ने इसे कुछ हॉलीवुड मूवीज से कंपेयर करके ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया ये बोलकर कि बहुत सारे सीन्स हॉलीवुड मूवीज से कॉपीड हैं। बट वी शुड ऑल्सो लुक एट द अदर साइड। चलो माना अगर कॉपीड है भी तो एटलीस्ट समवन इज ट्राइंग टू डू समथिंग। कोई तो कोशिश कर रहा है इंडियन सिनेमा को आगे लेकर जाने की। कहीं ना कहीं से तो सभी इंस्पिरेशन लेते हैं, इंस्पिरेशन से ही तो इनोवेशन होता है, ओरिजिनल थॉट जैसा तो कुछ भी नहीं होता। किसी ने व्हील्स देखे, लगेज बैग देखा, दोनों को जोड़कर ट्रॉली बैग बना दिया। एनी हाउ, वी शुड नॉट ऑलवेज क्रिटिसाइज एवरीथिंग। हमें क्यों कंपेयर करना है बाहर की मूवीज से और अपनी मूवीज का मजाक बनाना है, थोड़ा बहुत तो चलता है। मूवी देखो, मजा करो, बस मजा आना चाहिए। मूवी देखकर अगर मजा नहीं आता तो खुलकर क्रिटिसाइज भी करो। खैर ये सब तो हमेशा से चलता आया है और चलता ही रहेगा, पर पठान के केस में तो अभी तक फायदा ही हुआ है इस कॉन्ट्रोवर्सी से। मूवी का प्रमोशन हो रहा है फ्री में। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, हेयर आर सम फैन थ्योरीज, अजम्पशंस एंड माई थ्योरी अबाउट वॉट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द मूवी। दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर ट्रेलर में ये बोलकर इंट्रोड्यूस होता है कि वो एक सोल्जर है और वो पठान की मदद कर सकती है इस मिशन में, विच मीन्स कि वो डिंपल कपाड़िया की टीम की मेंबर नहीं है। और ये मेरा अजम्पशन है कि दीपिका का कैरेक्टर डार्क होने वाला है, शायद वो डबल क्रॉस कर सकती है पठान और उसकी टीम को। और जैसे हमने कई सारी यशराज की मूवीज में ये ऑलरेडी देखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल धूम 2 में ऐश्वर्या राय का कैरेक्टर हो या धूम 3 में कैटरीना का कैरेक्टर, और फिर बाद में हीरो को उस कैरेक्टर से प्यार हो जाता है और शायद हीरोइन को भी रियलाइज हो जाता है कि वो गलत कर रही है, तो वो दोनों साथ में मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। और इस सीन को देखकर ये बात बहुत हद तक सही लग रही है कि दीपिका का कैरेक्टर पठान को डिच करेगा। लेकिन इस समय से ये बात बहुत सही हुई है कि दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर सिर्फ एक आई कैंडी का काम नहीं करेगा इस मूवी में, और शायद आगे चलकर दीपिका का कैरेक्टर और कैटरीना का कैरेक्टर टाइगर सीरीज से हमें एक मूवी में देखने को मिले। जॉन अब्राहम का कैरेक्टर मेन विलन नहीं होने वाला इस मूवी में, जैसे ट्रेलर में ही बताया है कि वो किसी एजेंसी के लिए ये सब कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहा है, तो यहाँ से ये बात श्योर हो जाती है कि इस अटैक के पीछे किसी और का हाथ है, और मे बी इमरान हाशमी का कैरेक्टर इस सब के पीछे हो सकता है, जो हमें इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट पे देखने को मिलेगा, जैसे विक्रम में रोलेक्स का कैरेक्टर था। और ये बात तो सबको ही पता है कि टाइगर 3 में इमरान हाशमी ही विलन है, और जहाँ पठान की कहानी खत्म होगी वहीं से टाइगर 3 की कहानी शुरू होगी, तो इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि इमरान हाशमी भी पठान में देखने को मिले। और सलमान खान मतलब टाइगर की एंट्री की बात मैंने अपने ट्रेलर रिव्यू वाली वीडियो में भी करी थी कि शायद टाइगर की एंट्री वही हो सकती है जहां जॉन की गैंग पठान को पकड़ लेती है, और शायद वहां पे टाइगर पठान को बचाने के लिए आ सकता है, और मे बी एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी हो सकता है मूवी में, तो शायद वहां भी एंट्री हो सकती है टाइगर की। नाउ कम्स द मेन क्वेश्चन, कबीर पठान में होगा या नहीं? तो शायद हमें कबीर पठान में देखने को ना मिले, और मे बी YRF का ये हुक्म का इक्का भी हो सकता है जो वो मूवी रिलीज होने से पहले रिवील नहीं करना चाहते। अगर कबीर पठान के साथ आ गया तो थिएटर स्टेडियम बन जाएगा। वॉर मूवी से आशुतोष राणा का कैरेक्टर तो है ही इसमें, और वॉर मूवी में एक सीन था जहां कबीर कर्नल लूथरा से अपने एक पुराने दोस्त का जिक्र करता है जिसने कबीर को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, जब कबीर और उसका बड़ी खालिद के फादर को मारने के लिए जाते हैं। और ये बहुत ही तगड़ी फैन थ्योरी है कि शायद कबीर का वो बड़ी कोई और नहीं पठान ही था जो अभी जिंदा है। तो कबीर का कैरेक्टर इस मूवी में हो या ना हो, लेकिन कबीर का जिक्र जरूर होगा इस मूवी में, और शायद कुछ बैक सीन्स भी हो सकते हैं वॉर मूवी से, क्योंकि कहीं ना कहीं पठान की स्टोरी कनेक्टेड है वॉर से। और अब बस कहने के लिए ही नहीं, YRF ने अपना स्पाई यूनिवर्स लोगो लॉन्च करके ये बात साबित कर दी है कि पठान, वॉर, वॉर 2, टाइगर सीरीज, ये सारी मूवीज कनेक्टेड हैं, और हर मूवी की स्टार्टिंग में ये YRF स्पाई यूनिवर्स लोगो देखने को मिलेगा। और इस स्पाई यूनिवर्स में सबसे अच्छी बात यह है कि ये यूनिवर्स किसी भी एक डायरेक्टर के भरोसे नहीं है, जैसे टाइगर सीरीज में हर बार डायरेक्टर चेंज है और टाइगर 3 में मनीष शर्मा होने वाला है, तो हमें इस यूनिवर्स से मूवीज के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। टाइगर 3 भी इसी ईयर रिलीज हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, इफ यू गाइज हैव सम थ्योरीज, प्लीज शेयर देम इन द कमेंट सेक्शन। सो ये था मेरा टेक अबाउट दी पठान थ्योरीज एंड पब्लिक रिएक्शन ऑफ द ट्रेलर पठान। व्हाट डू यू गाइज थिंक अबाउट दिस? प्लीज शेयर योर थॉट्स। द कमेंट सेक्शन इज अवेलेबल फॉर यू। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल ऑफ यू गाइज, एंड विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो।